धीरे एक दो बार प्रैक्टिस करिए। अगर किसी चीज को आप लगातार 21 दिन करते हैं, आपकी वो आदत बन जाती है, और 90 दिन करते हैं तो आपके जीवन की दिनचर्या बन जाती है, और दिनचर्या ही आपके पूरे जीवन को निर्धारित करती है। किसी भी गलत आदत को धारण करने के लिए आपको केवल 90 दिन की जरूरत है, जिसकी पहली स्टेज 21 दिन से शुरू होती है, और किसी गलत आदत को छोड़ने के लिए भी कितना है 21 दिन। तो बस वैसी तरह से आपको प्रैक्टिस करते रहना। आंख बंद करेंगे लोग, और दिमाग में वो एरिया दिखना चाहिए। पहला आप दिमाग में ऐसे एकदम आंख बंद करके स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटीनेग्रो, कोसावो, अल्बानिया, मेसिडोनिया, ग्रीस, थरेस, बुल्गारिया, रोमानिया। जब आप आंख बंद करके बोलेंगे ऑटोमेटिक आपकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि तब आप कंसेप्ट के हिसाब से जा रहे हैं, और ऐसे चिल्लाएंगे ना दिक्कत हो जाए। आंख बंद करके इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है। यहाँ अभी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ लीजिएगा घर पे, थोड़ा सा स्पीड बना लीजिएगा। यहाँ तो आपको कंसेप्ट बनाना है, स्पीड तो घर पे बना सकते हैं। और सारा लड़का एक बकलोल को रखे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको बकलोल कहीं मिल जाएगा, उसको सेम पढ़ाना है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं वैसे आपको बकलोल को क्या करना है, लॉज पे पढ़ाना है। लड़की सबको तो इजीली मिल जाएगी, सब गर्ल्स हॉस्टल में कोनों को पकड़ लो और उसको क्या करना है, समझाना है, याद कराना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की सब में थोड़ा सा कठिन होता है, जल्दी लड़की दूसरे की वैल्यू नहीं देती है, ये रियलिटी है, किसी को वैल्यू नहीं देती। इसलिए कोशिश कीजिए, नया नया लड़की आई है उसको थोड़ा सा समझती है, सीनियर दीदी है, उसको समझाइए। लड़का सब में भी क्या कीजिए, समझाइए, मोहल्ले में समझाइए। हम यही बोले थे एक लड़का को, ऑनलाइन पढ़ा था अंकित को, यहाँ कोई मिलिए नहीं रहा था, क्योंकि 5 साल की भाई बहन था सर, अंकित और शिवानी, एगो 5 साल का एगो 7 साल का, ओकरे समझाने लगा, पढ़ने लगी, और मोबाइल पे ओकरा से पहले वही याद कर लेती थी दोनों एकदम छोटा छोटा है, 5-5 साल का, आप देखे होंगे यूट्यूब पर। अब उसको आपको ना कभी कभी हम दंग रह जाते, अभी थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तब उसको आदमी पढ़ना, अभी उतना छोटा लड़का को हम लोग नहीं ना पढ़ा पाते, तो फिर से अभी धीरे धीरे उसका मैट्रिक जाने से पहले उसका मतलब मैट्रिक से इंटर तक में यूपीएससी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेगा सर, जब तक वो मैट्रिक आएगा सर, इंतजार करेगा सर, ग्रेजुएशन खत्म हो तो इधर यूपीएससी इधर आता है उस सबका सपना भी है। तो रीजन क्या है, उन लोगों ने समझा किसी को भी, तो नक्शा पढ़ लेना, याद कर लेना बड़ी बात नहीं होती है, मेन है कि इसका मेन की फैक्टर क्या है, कैसे ये याद रहता है। आप दिमाग में एकदम छाप जाना चाहिए हर सब्जेक्ट। जब आप अभी भी हम लोग जब ग्रेजुएशन में थे या इंटर में थे, तो हम लोग के टीचर का जो नोट्स दिखाया था, आज भी अगर हम लोग याद करते लोग दिमाग में वो लाइन बाई लाइन हम लोग की हैंड राइटिंग नजर आती है कि नहीं, ऐसे ही ऐसे हम लोग लिखे थे, यो ध्यान था ई बतिया किताब के कॉपिया के ई कोना में लिखे थे, आई बतिया ई कोना में। आप देखिएगा, आप अपने नोट से पढ़िएगा तो एक सहूलियत होती है, ताकि आपका हाथ बैठ गया। तो इसी तरह उस नोट्स को, जिस तरह आपकी आंखें आपके नोट्स को कैसे एडजस्ट कर लेती है, दूसरे के नोट्स को एडजस्ट करती है, तो धीरे धीरे और थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है। जिस लड़के को ये समझ में आ गया कि नहीं मेरे नोट से पढ़ने में आसानी हो रही है, सेम चीज दूसरे के नोट्स में मजा नहीं आ रहा, समझ जाइए कि आप सफलता की पहली दहलीज पे जा रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग एडजस्ट कर रहा है, वो उस चीज को रिकॉल कर रहा है कि नहीं ये चीज यहाँ लिखी हुई। अब बस धीरे धीरे उसको कहाँ छाप लेना है, दिमाग में, थोड़ा सा और मेहनत की जरूरत है। और ये मेहनत क्या होगा, जब तक आपकी दूसरे के प्रति जिम्मेदारी नहीं रहेगी तब, तो आप किसी को भी बताइए तो एक टाइम बना लीजिए कि हाँ भैया हम तुमको 5 से 5:30 आधा घंटा के बीच में बताएंगे, और उसको एकदम कोच दीजिए कि थोड़ा इस टाइम में आ ही जाना है, तो एक प्रेशर रहेगा, ऐसा नहीं कि 2 दिन बताए छोड़ दिए तो दिक्कत हो जाता है। हम लोग को कोई चीज कैसे याद रह जाए, शुरुआत में आप बिलीव नहीं कीजिएगा, जब हम नक्शा पढ़ाने के लिए जब शुरू किए थे तो हमारे पास भी एटलस रहता था, जिस तरह विद्यार्थी आप लोग के पास एटलस रहता था ना, शुरुआती दौर में हम भी एटलस रखते थे, हमरो पूरा कंफ्यूजन में हो जाता था ये स्लोवेनिया के बाद कौन है, सच बताते हैं आपको, तब हम देख के बताते थे, देखो इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, इस तरह से, ताकि लोकेशन, आज क्या है सोच रहा, उस देश के आदमी को अपना लोकेशन कंफ्यूजन में हो जाएगा, वहां कैसे हुआ, धीरे धीरे पढ़ाते 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 सोच रहा याद हो गया। दिन भर में हम अपना चेहरा 2 बार देखते होंगे, एगो सुबह के बैच में, एगो शाम के बैच में, लेकिन दिन भर में हजारों बार पलट पलट के एकरा देखना पड़ता है, मेरा अंकिया एकदम क्या हो गया, याद कर। तो आप भी अपने जहां सोते हैं ना, वहां कुछ नहीं करना है, वर्ल्ड का नक्शा, इंडिया का नक्शा बस चिपका लेना है, आपका दिमागिया देखते 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 स्पेन यहाँ है, मतलब है, आप
किसी को नहीं भी जानते हैं, अगर उसको देखते हैं तो आप उसे पहचान जाएंगे। जैसे आप अपने मोहल्ले में, जहां अभी लॉज में जहां रह के पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे दुकानदार, चाय के दुकान वाले, इसको आप उसका नाम नहीं जानते, ना ही कभी बात किए, इवन उसके दुकान से कुछ खरीदे भी नहीं है, लेकिन जानते हैं हमारे मोहल्ला का है। क्यों? डेली डेली देख। और जिन लड़कों के साथ आप मैट्रिक में बैठ के स्कूल में पहले बेंच पे बैठे रहते होंगे, बदमाशी करते हो, उसमें से 10-20% अभी दिमाग से निकल चुका है। हमारा तो 90% निकल चुका है, आधा लोल था सब हमारी बैच में, बकलोल टाइप का था हमारे, आधा टाइप। तो ये दिमाग में आ गया, दिमाग में नक्शा में एकदम छप जाना चाहिए। दोबारा बोलेंगे लोग इत्मीनान से, ऐसे नहीं आग बन करके, एकदम इत्मीनान से। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया।